मैं यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा आपको, अंदर ध्यान से देखना, ये देखा आप लोगों ने। और भाई ऐसा ही है यहाँ पे, ये चलता फिरता सीन है। वो ऑटो सामने यहाँ पे ना, मतलब ये देख रहे हो पैर लटका हुआ है इसका, इसके अंदर बैठी है, इनकी ऑटो वाले से साठ गांठ होती है। और भाई ये देखो मेरे पीछे, हेलो वेलकम एवरीवन। तो फ्रेंड आज का जो ये वीडियो है ना, ये काफ़ी कमाल का होने वाला है आप लोगों के लिए। बिकॉज ऑफ भाई आज हम एक ऐसे सफर पर निकले हैं जो भाई सच में बड़ा ही डेंजर है ये। और यहाँ पे इस रोड पे मतलब अतिरिक्त गतिविधि होती रहती है, मेरे को किसी ने बताया, तो आज हम उसको एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। और ये जो रोड है, पहले आप ये देखो भाई, रोड के साइड में यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा आपको, ये इस साइड ये देखो आप लोगों ने, और आगे भी भाई पूरा रोड ये ऐसा ही है। तो भाई देखा आप लोगों ने, और हम जहाँ पे जाने वाले हैं वो बहुत ही फेमस एरिया है। और भाई इस रोड के बारे में बताऊँ तो ये इतना डेंजर है, आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में कैसा एरिया है ये, और राइट साइड का एनवायरनमेंट भी देख लो आप। तो भाई ये पूरा रोड ऐसा है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भाई पहले आप ये देखो, यहाँ पे भी एक दो लोग खड़े हुए हैं, और इसमें शायद कुछ होगा अंदर सिस्टम पक्का। ये देखो भाई भी खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो मेरे भाई ऐसा ही सीन है इस रोड का पूरा। और ये जो रोड है ना मेरे भाई, ये ऑलमोस्ट आपका अराउंड 22 से 25 किलोमीटर का रोड है ये पूरा। और भाई इस रोड की खासियत बताऊँ तो भाई ये रोड हर चीज़ में नंबर वन है। नंबर वन यानी कि भाई एक्सीडेंट में नंबर वन, प्रोस्टिट्यूशन में नंबर वन, भाई रोबरी नंबर वन, मतलब हर हर कुछ एटलीस्ट में है ये रोड भाई। तो इस रोड पे भाई अगर आप रात वात में कभी ट्रैवल करो तो भाई सेफ होकर ट्रैवल करना। ये रोड है गुड़गांव टू फरीदाबाद लिंक रोड, और ये भाई पूरा बीचों बीच रास्ते में पहाड़ों को काट के इवन वैसा रोड बनाया गया है। तो भाई काफ़ी डेंजर रोड है ये, और मेन लोकेशन पर जहाँ हम जाने वाले हैं आज, तो उस पर चलते हैं और वहाँ चलिए। देखो एक भाई इधर भी खड़ा हुआ है कोई, तो भाई पूरा रोड ही ऐसा ही है। तो मज़ा आने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, भाई बने रहना वीडियो में। भाई इसके सामने देख रहे हो, इसके पीछे ना मैंने अभी दो चार लोगों को देखा बैठे हुए, तो एक बार आ जाओ चलते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो भाई बड़ा ही मतलब डेंजर सा रास्ता है यार, अंदर जाना थोड़ा रिस्की भी लग रहा है आप देख रहे हो। और यहाँ पर कुछ पन्नी उन्नी बंधे हुए हैं, और आप ये देखो भाई इस साइड में यहाँ पर दो तीन लोग बैठे हुए हैं इस साइड में, आप देख रहे हो। तो ये देख रहे हैं इधर, और ये मेरे को बुला भी रहे हैं इधर साइड। तो भाई फाइनली हम अभी इस एक लोकेशन पे खड़े हुए हैं, और यहाँ पे मतलब थोड़ा सा एक अलग सा एनवायरनमेंट दिखा मेरे को, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाना चाहिए। तो मैं बैक कैमरा ओपन कर लेता हूँ और फिर हम चलते हैं अंदर। ये देख रहे हो फ्रेंड, एक जंगलों के बीच में ये खुलेआम रास्ता बना हुआ है इस रोड में, आपने देखा कहीं भी कोई नहीं है, और ये रास्ता बना हुआ है इस रोड में। तो हम चलने वाले हैं, और अंदर चल के मैं आपको थोड़ा सा इसका नज़ारा दिखाता हूँ कि भाई कैसा है ये। और इस साइड में आप देखो पूरा सुनसान, और ये बीच में रास्ता यहाँ पर बना हुआ है, और देख रहे हो आप ये चारों साइड सिर्फ जंगल है। और ये एक अंकल जी दिख रहे हैं अंदर, और भाई इस बीच में मैं बताऊं तो अंकल जी यहाँ पे मतलब आए नहीं है क्या वो लोग? अंकल जी भी कह रहे हैं पता नहीं, अंकल जी शायद कुछ कूड़ा वूड़ा चूने जो भी है अपना आए होंगे, कुछ अपने मटेरियल का सामान लेने। और आप देखो भाई ये इस बीच जंगल में यहाँ पर इतना क्लीन एरिया है, और ये क्या हो सकता है आप खुद समझ सकते हो। आप देख रहे हो भाई ये पूरा क्लीन एरिया है यहाँ पे, और अंदर भी रास्ता गया हुआ है। तो भाई अंदर तो मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा, बिकॉज ऑफ भाई अंदर जाना ज़्यादा सेफ़ नहीं है, और यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा मुझे। तो हम चलते हैं अपनी किसी और लोकेशन पर, एक बार अंदर चल के मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो भाई आप ये देखो, धूप की वजह से मुझे दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा होगा पीछे इस साइड। भाई देख रहे हो ये अंदर बहुत ही अंदर तक जंगलों में रास्ता गया हुआ है। भाई ये रास्ता तो बहुत ही अंदर जा रहा है, आप देख रहे हो ये वाला। भाई अकेला यार अंदर जाना ज़्यादा सेफ़ भाई यहाँ पे ना कुछ है, देख रहे हो आप भाई यहाँ पे कुछ मतलब, ये समझ सकते हो भाई ये क्या पड़ा हुआ है ये सामने, ये देख रहे हो भाई ये। तो भाई आप अंदाज़ा लगा सकते हो, और अंदर भी देख रहे हो काफ़ी अंदर तक है, इधर भी रास्ता गया हुआ है यहाँ से। तो भाई हम अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा, और अकेले ज़्यादा अंदर जाना सेफ भी नहीं है, तो हम चलते हैं बाहर। ये देखो भाई साइड में पेड़ के नीचे बैठी हुई है, देखा होगा आप लोगों ने। और ये देखो रोड काफ़ी चलता फिरता रोड है, और यहीं पर सामने ये बैठी हुई है सामने। और इस साइड में भाई अभी ना मैं वहीं पर खड़ा हुआ था, और भाई पुलिस वाले आ गए एकदम से, तो भाई मुझे वापस जाना पड़ा, फिर वापस यू टर्न लेके आना पड़ा। और भाई इसके गैंग भी है, तीन चार लोग अंदर हैं, तो भाई जाना ठीक नहीं है, क्योंकि इनके साथ ऑटो वाले भी भाई मिले होते हैं, दो चार ऑटो वाले भी इनके साथ खड़े होते हैं आजू बाजू। तो और चलते हैं आगे, किसी सेफ जगह पे रुकेंगे। और मेरे भाई थोड़ी दूर आगे इसी रोड पे आने के बाद आप देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आर के लव, आई लव बर्गर। और ये क्या लिखा हुआ भाई पढ़ लेना,
और भाई यहाँ पे देखो कितना खूबसूरत सा एक हिल स्टेशन वाला नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलता है। सच में यार ये रोड डेंजर भी है, पर सच में कहीं कहीं पे बड़ा खूबसूरत भी है यार, बड़ा प्यारा सा रोड है, एक हिल स्टेशन वाली फीलिंग देता है आपको यहीं पे। तो कभी घूमने भी आ सकते हो, बट यार डेंजर भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुनसान रोड है, खाली रोड है। तो मेरे भाई चलते हैं और आगे। तो मेरे भाई इस टाइम जो मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ भाई, मैं आपको बताऊँ ये बहुत ही हाईलाइटेड एरिया है, और भाई इस टाइम यहाँ पे ना सन्नाटा सा छाया हुआ है और भाई कोई नहीं है। तो मैं बैक कैमरा ओपन करता हूँ और चलते हैं अंदर और देखते हैं कोई है अंदर या नहीं है, एक्सप्लोर करते हैं पूरा। तो बने रहना वीडियो में। भाई यहाँ पे ना आते ही मतलब मेरे को किसी ने बताया कि भाई ये इसका ना सबसे मेन ठिकाना है, और यहाँ पे मतलब ये लोग होते हैं इस तरीके से। और आप देख रहे हो कैसे कैसे रास्तों में और कैसे कैसे एरिए में, और आप सोचो इतने सुनसान एरिए में जहाँ पे कोई दूर दूर तक नहीं है, और इस एरिए में ये लोग ऐसी जगह होते हैं। और भाई इस जगह जो ऐसे लोग जो आते हैं, मेरे भाई आप लोगों को डर नहीं लगता, या भाई ज़्यादा ही कुछ वैसा है तो भाई वैसे ही दे दिया करो किसी को, क्योंकि भाई ऐसी जगह में छीना झपटी लूटपाट रोबरी ये तो भाई आम बात है, कोई भी कर सकता है अकेले का मौके का फ़ायदा उठा के। तो मेरे भाई ध्यान ये देखो भाई, प्लेट व्लेट बोतल पता नहीं भाई क्या क्या, पूरा घर जैसा व्यवस्था बना रखा है इन्होंने बिल्कुल साफ़ सुथरा करके। और भाई इस साइड में देख रहे हो आप, हर जगह सिर्फ ये ऐसा इन्वायरमेंट है। और इस साइड से चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो भाई आप देख रहे हो मैं हाईवे के कितने अंदर हूँ, और भाई सुनसान से झाड़ियों में अकेला, चारों साइड सिर्फ मेरे जंगल ही जंगल है। तो भाई फिर भी अंदर चलते हैं और दिखाने की मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ जितना दिख सकता है। तो भाई बने रहना। और भाई सच में बड़ा सुनसान है यार, अकेला चलते हुए थोड़ा डर भी लग रहा है, पर देखते हैं। भाई साइड अगर आप देख रहा हो आपको तो किसी बैठा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा पास चलते हैं और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। देख रहे हो आप, और अकेला हूँ भाई, थोड़ा सेफ भी चलना पड़ेगा। ये दिख रहा होगा भाई आपको, यहाँ पे दो तीन लोग बैठे हुए हैं। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ से देखो भाई बिल्कुल शाम क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को, बैठे हुए दो तीन लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल। और भाई ये लोग ना सच में दो इधर है, दो तीन अंदर घुसे हुए हैं इसी जंगलों में। मेरे भाई बड़ा ही सच में बड़ा ही डेंजर सा एरिया लग रहा है, और आप देख रहे हो ये बिल्कुल ही मतलब के खुलेआम बैठे हुए हैं, कोई डर नहीं किसी का जो भी है, आप देख रहे हो ये लोग। और भाई यहाँ पे दो तीन लोग अंदर हैं, चलते हैं थोड़ा सा इस साइड में दिखाता हूँ मैं। तो भाई थोड़ा सा अंदर ही सर आने के बाद आप देख रहे हो यार, हर तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा है। और मेरे भाई सच में यार देख के ना मतलब सच में रूह कांप देने वाली, और बिल्कुल सुनसान इस रास्ते में। आप सोचो एक तो वैसे ही रास्ता इतना संकरा है, और ऊपर से इस रास्तों में भाई ऐसी ऐसी जगह है, तो भाई मेरे भाई कितना ख़तरनाक हो सकता है ये। भाई मेरे मैं क्या बताऊं यार आप लोगों को, भाई प्लीज़ यार अलर्ट रहा करो। और देख रहे हो भाई ऐसे जंगलों में ऐसे लोग आते हैं, खुलेआम आते हैं, बेफिक्र आते हैं, भाई डर नहीं लगता उन लोगों को बिल्कुल भी। और यहाँ से जस्ट 60-70 मीटर आगे उस रोड पे बैठे हुए थे, और मैं रोड से करीब मैं 150-200 मीटर अंदर हूँ भाई जंगलों के बीच में बिल्कुल पूरा। तो मेरे भाई क्या है यार ये, सच में यार भाई आप लोग भाई मेरी इस वीडियो को देख के अगर भाई किसी दो तीन आदमियों ने भी अगर भाई आना छोड़ दिया ना ऐसी जगह, तो मैं अपनी वीडियो को मतलब एक तरीके से सक्सेस मान लूँगा। मेरे भाई ऐसी जगह आना भाई जान का ख़तरा तो है ही है, ऊपर से भाई आपकी चीज़ें भी सेफ़ नहीं है, आप अकेले हो, फ़ोन है, पर्स है, बाइक है, ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें आपसे छीनी जा सकती है। तो भाई ऐसी जगह ना आओ मेरे भाई, मैं तो आप लोगों से यही कहता रहता हूँ अपनी हर वीडियो में। बाकी भाई मर्जी फिर भी मैं आप लोगों के ऊपर लास्ट छोड़ता हूँ, तो भाई डिसीजन आप लोगों का होता है लास्ट, बट मेरा तो यही कहना है मेरे भाई ना हो ऐसी जगह, सेफ रहो, सतर्क रहो, और भाई अलर्ट रहो। मेरे भाई कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से, बट आप लोगों की जान पे बात आ सकती है, आप लोगों को ख़तरा हो सकता है। तो मेरे भाई अलर्ट रहें, टेक केयर, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।